सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एवरीवन, मैं हूं एमी और आप देख रहे हैं स्ट्रीट टाइम। जी हां, आपका अपना पसंदीदा शो अपने पसंदीदा चैनल पे जिसका नाम है K21। और आज मैं कहां मौजूद हूं? आज मैं मौजूद हूं नागन के इलाके में मौजूद बहुत जबरदस्त सा पकवान सेंटर जिसका नाम है एजाज पकवान सेंटर। जी हां, पहले भी हम आपको यहां ला चुके हैं, जिनका मेयार खाने का बहुत आला है, बेहतरीन है। लोगों से हमने मिलवाया था, इस शो के जरिए आप देख चुके हैं उनके पकाने का तरीका। यहाँ पे मौजूद काम करने वालों से मुलाकात कर चुके हैं पहले भी हमारे शोज के जरिए। क्वालिटी, मेयार, सब कुछ यहाँ पे पाया जाता है और लोगों को इसीलिए पसंद आ रहा है, इसीलिए लोग आते हैं एजाज पकवान पे। और ना सिर्फ अब ये पकवान सेंटर है, ये है एजाज आइसक्रीम एंड चटखारा एंड फास्ट फूड। जी हाँ, फास्ट फूड भी ये ओपन कर रहे हैं बहुत जल्द। 4 मार्च को हमारे पास एजाज फास्ट फूड भी आ रहा है एक वाइल्ड रेंज के साथ। जिस तरह ये आइसक्रीम पे, पकवान सेंटर पे और चटखारा कॉर्नर पे काम करते रहे, इसी तरह आप ये करने वाले हैं फास्ट फूड पे काम। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले भी पसंद किया और अब भी इस एजाज पकवान की चीज़ों को आप पसंद करेंगे, इनके फास्ट फूड ट्राई करेंगे। और ना सिर्फ ये, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट दे दूँ कि हमारे व्यूवर्स के लिए 10% डिस्काउंट है। जी हाँ, 4 मार्च को 10% डिस्काउंट है एजाज फास्ट फूड पे, क्योंकि वो है उनकी ओपनिंग। इस्लाम अलैकुम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, रमशा। रमशा, ओके रमशा, मुझे पता चला आपने आइसक्रीम खिलाई आज। माय लिटिल कजिन्स, दे आर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो मेरी तरफ से जीत गई। दे आर नॉट लाइक, या ऑब्वियसली दे आर। जी बताएं रमशा, कि आपने, आप फर्स्ट टाइम आए हो बिकॉज ऑफ देम या आते रहते हैं? नहीं, ये मतलब अगर इनके घर आना होता तो फिर इधर आना होता है। वॉलेट फुल करके आते हैं? नॉट लाइक दैट, बहुत बजट फ्रेंडली है ये। अच्छा, क्वांटिटी क्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ आर वेरी गुड। मुझे बताओ कि कोई भी शॉप या कोई भी आइसक्रीम पार्लर जहाँ हम जाते हैं, ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, कजन्स के साथ जाते हैं, तो क्या चीज़ सबसे बेस्ट लगती है कि यार ये चीज़ हम ऑर्डर करें देन एंड देयर आए? Obviously, if it, winters में जाओगे तो सूप, अगर समर्स में अगर आप जाते हो आइसक्रीम पार्लर तो ऑब्वियसली आइसक्रीम ही होती है पहली चॉइस आपके पास। मतलब इतने फ्लेवर्स आ चुके हैं कि उनमें जज करना कि कौन सा अच्छा, और आपके पास अगर ऑप्शन ज़्यादा हो तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को एडवाइस देते हैं, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये लो, देन वी विल डिसाइड के लेना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मुझे बताओ कि बाहर जो दूसरे पार्लर्स में जाते हो उनमें और इनकी क्वालिटी में क्या डिफरेंस लगा? क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी अच्छी है, फ्लेवर्स आर गुड, इनके पास वैरायटी है बहुत ज़्यादा, और जैसे मैंने बताया बजट फ्रेंडली है। जो जॉब नहीं करते वो भी खा सकते हैं अपनी पॉकेट। एग्जैक्टली, ठीक है, सो ना इसफी रमशा। और हर वो चीज़ आपको मिलेगी जो फास्ट फूड से रिलेटेड है, चिकन, जिंगा, बर्गर्स और बहुत सारा सब कुछ। इतनी सारी डिटेल इनके बारे में, मतलब मैं चाहूँगी कि मुकम्मल डिटेल आपको दी जाए, और उस मुकम्मल डिटेल के लिए मैं चाहूँगी कि यहाँ पे मौजूद लोगों से बात भी की जाए और यहाँ के ओनर्स में से भी बात की जाए कि आखिर वो क्या नया ला रहे हैं फास्ट फूड में, एजाज फास्ट फूड में ऐसा क्या है। क्योंकि माशाल्लाह इनकी जितनी बड़ी रेंज चटखारा में है, गोलगप्पे, चाट और इस तरह की जितनी मंचिंग वाली चीज़ें जो ज़्यादातर लड़कियाँ पसंद करती हैं हमारी कराची की, तो वो इनकी सुपर डुपर हिट गई हैं आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने पसंद किया, आप लोगों ने स्ट्रीट टाइम में देखा और पसंद किया, आए अब आप यहाँ पे। और अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अब आप चटखारा के बाद एजाज फास्ट फूड पे भी आएँ, एजाज फास्ट फूड की, और ये अपने सारे फास्ट फूड प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और पूरा एक सेटअप बना रहे हैं, फैमिली रूम है, प्ले एरिया है, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, एक अच्छे इन्वायरमेंट और एक अच्छी प्राइस के साथ। तो चलें आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं एजाज आइसक्रीम एंड चटखारा एंड फास्ट फूड की डिटेल। आ जाए। और जनाब, अब मैं एजाज आइसक्रीम पार्लर में, यहाँ पे इनका सीनियर स्टाफ मौजूद है जिनसे मैं बात करना चाहूँगी और आपको बताना चाहूँगी ये कब से हैं, क्या क्या इनकी स्पेशलिटीज़ हैं, किस तरह के कस्टमर हैं, कौन सा फ्लेवर इनका सबसे ज़्यादा अच्छा है और रनिंग कौन सा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका?
शफकत अली। शफकत अली, अच्छा शफकत भाई मुझे बताएं कि माशाल्लाह काफी रेंज है आपके पास, कितने फ्लेवर्स हैं टोटल? तकरीबन 40 से अपर फ्लेवर हैं, पहले भी मैं इंटरव्यू में बता चुका हूँ। और हमारा जो है अभी न्यू जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें गोला गंडा है हमारा, और शर्मा है हमारा, जिंगर बर्गर है, ब्रोस्ट है, और बाकी रोल वगैरह हैं, सारी रेंज। बहुत शुक्रिया जी व्यूअर्स। यहाँ हमारे साथ मौजूद है रजा, रजा ओनर्स में से है एजाज आइसक्रीम एंड चटखारा एंड फास्ट फूड के, और इनसे मैं जानूंगी, आपको बताऊंगी, हमारे व्यूअर्स को बताऊंगी कि आखिर क्या इनकी स्पेशलिटी है, कौन सी जेंट्री पसंद कर रही है, फैमिलीज का कैसा रिस्पॉन्स है। अस्सलाम वालेकुम रजा, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताएं कि क्या आपकी स्पेशलिटी है, फैमिलीज का क्या रिस्पॉन्स है? स्पेशलिटी हमारी चटखारे में चना चाट, गोल गप्पे, दही बड़े, ये स्पेशलिटी हमारी। आइसक्रीम के अंदर हमारे स्पेशल फालूदा बहुत फेमस है और बहुत पसंद कर रहे हैं फैमिली, बहुत पसंद कर रही हैं और रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। हमारा फैमिली पसंद करती है, दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं हमारे पास। क्या चीज़ आपकी की है, वो मसाले हैं या वो चटनियाँ हैं, क्या चीज़ है? हमारी जो रेसिपी है, जैसे गोलगप्पे के अंदर हमारी मीठी चटनी की रेसिपी है वो डिफरेंट है, इसी तरह चना चाट में हमारी रेसिपी अलग है, चटनी की रेसिपी अलग है, फालूदों में हम अपने रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंस है। आप अगर टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा इंशाल्लाह, आपको डिफरेंट ही मिलेगा और लोगों से। बहुत शुक्रिया आप जी व्यूअर्स। यहाँ पे मौजूद एक फैमिली है और जो अपना चटखारा इंजॉय कर रही है, उनसे पूछते हैं कि चटखारा कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप चटखारा खा रहे हैं इनका जो कि आई थिंक गोलगप्पे हैं। जी जी गोलगप्पे। आप मुझे बताएंगे कैसा लगा आपको, इनका फ्लेवर कैसा है और कब से आप इनके पास आ रहे हैं, जाज चटखारा कब से ट्राई कर रहे हैं? मैं वैसे आज पहली दफ़ा आया हूँ और यहाँ पर पहली दफ़ा खा के चेक करूँ, जायका माशाल्लाह अच्छा है और रेट भी काफ़ी मुनासिब है जो हमें मार्केट में नज़र आते हैं, तो उन सारी चीज़ों के अतबार से बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। मैं आपसे बात कर सकती हूँ? मुझे बताएं, सॉरी मुझे बताएं कि प्राइसेस आपको इकोनॉमिकल लगे। अच्छा यहाँ पे ऐसा क्या फ़र्क लगा जो और आप जगहों पे ट्राई करते हैं, जो गोलगप्पे हैं या चना चाट है, तो यहाँ पे आपको क्या फ़र्क लगा उन फ्लेवर्स में और इसमें? नॉर्मल से काफ़ी अच्छा बेहतर मुझे नज़र आ रहा है, नॉर्मली यही प्राइस में यही चीज़ें हमें बाहर जो अफोर्डेबल मार्केट में मिलती हैं तो वो उन्हीं चीज़ों में सपोर्ट कर रहा है, यहाँ बस बेटर इन्वायरमेंट मिल रहा है और सारी चीज़ें फ्लेवर वाइज बेटर लग रही हैं मुझे। तो आप फर्स्ट टाइम आए हैं, अब नेक्स्ट टाइम आने का इरादा रखते हैं? फैमिली के साथ आए पूरी। शुक्रिया, थैंक यू। और जी चटखारे में से ये खा रहे थे गोलगप्पे, क्योंकि बहुत वाइल्ड रेंज है इनकी, मिक्स चाट है और आई थिंक वालदा के साथ अपना ये मील एंजॉय कर रहे थे। अब चलते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपने इंजॉय किया यहाँ पे एजाज चटखारा में और एजाज आइसक्रीम में? मैंने अभी फालूदा मंगवाया था, फालूदा खाया है दोस्त के साथ और चाट खाई है। कैसा लगा आपको फालूदा इनका और चाट? मैंने सुना है बड़ा डिफरेंट फालूदा इनका। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा फालूदा है। पहले हम लोग कहीं और का खाते थे लेकिन जब से यहाँ का खाया तो अब हम यहीं आके बैठते हैं और यहीं का खाते हैं और साथ में चाट भी गोलगप्पे भी खा लेते हैं। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? काफ़ी टाइम हो गया, जब से ओपनिंग हुई है यहाँ पे जब से, तो इंशाल्लाह ताला रेगुलर ही आ रहे हैं हम लोग। क्या फ़र्क लग रहा है आपको इनके टेस्ट में और आम टेस्ट में, जो आम चटखारे मतलब आम मिलते हैं गोलगप्पे और चने? इनमें ये खासियत है एक तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी दे रहे हैं, यानी कि जो भी चीज़ हमें खिला रहे हैं वो हमारी नज़रों के सामने हमें खिला रहे हैं कि क्या डाल रहे हैं और अच्छी जायकेदार दे रहे हैं, रेट भी बहुत अच्छा है, मुनासिब रेट में हम लोग खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। फैमिली को लेकर आते हैं? हाँ बिल्कुल, फैमिली को, मेरा तो छोटा बहुत शौक से आता है यहाँ पर। अच्छा माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और फैमिली को लेकर आते हैं, जब से ओपनिंग हुई है तब से खा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। फालूदा सुना है इनका कि बड़ा अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त है, आपने ट्राई करना है और बताना है हमें कि फालूदा कैसा है। जी वीवर्स, हमारे साथ मौजूद हैं एजाज आइसक्रीम एंड फास्ट फूड एंड चटखारा के मैनेजर, जो कि यहाँ पे इस पूरे आउटलेट को रन कर रहे हैं और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के साथ उनसे पूछते हैं कि क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार है और लोगों का रिस्पांस कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? जफर इकबाल।
जफर भाई ये बताएं हमें K21 को, स्ट्रीट टाइम की टीम को, कि हमने सुना है काफी सारी चीजों के बारे में, तो हमने बात कर ली आइसक्रीम के बारे में, चटखारा के बारे में, हमें ये बताएं कि आपका जो कमिंग सून आने वाली चीज है वो है फास्ट फूड, एजाज फास्ट फूड, क्या है वो चीज और उसमें स्पेशलिटी क्या है? मैम कमिंग सून में फास्ट फूड में हमारे यहाँ बीफ बर्गर है, चिकन बर्गर है, चिकन रोल है और बीफ रोल है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि लोगों के पूरी इसरार जोर पर हमने जो लोग यहाँ से जाया करते थे दोरा जी में गोला गंडा खाने, बाद लोगों के साथ कुछ हालात भी पेश नजर, तो हमने वही सब चीज फैसिलिटीज यहाँ इंशाल्लाह ओपनिंग कर रहे हैं। गोला गंडा भी है और सबसे बड़ा ये कि शवरमा भी स्टार्ट कर रहे हैं, चिकन शवरमा भी होगा। आपको क्या लगता है क्या चीज आपकी सबसे ज्यादा हिट है, किस चीज? माशाल्लाह हमारे पास जो आइसक्रीम के अलावा हमारा स्पेशल फालूदा है और चना चाट है, ये बहुत मकबूल है। फूड पांडा पर भी माशाल्लाह काफी ऑर्डर आते हैं हमारे पास यहाँ से। कल रिसेंटली हमारे पास आई थी एक फैमिली आई थी, उन्होंने K21 के से देखा था, आपका प्रोग्राम देखा था, तो वो आए थे इसका खारादर से आए थे वो लोग। हाँ खारादर से आए थे सिर्फ खाने के लिए कि आपका K21 पर प्रोग्राम चलता है, उस हिसाब से देखा उन्होंने, फिर लाइक किया यहाँ। यानी K21 के व्यूअर्स कितने स्ट्रॉन्ग है, कहाँ से आए आज यहाँ पे खाने के लिए? अच्छा मुझे बताएं प्राइस रेंज क्या है आपकी? प्राइस रेंज ये है कि कराची में कम से सबसे कम रेट है हमारा। अब देख चना चाट को देख ले, अच्छा स्पेशल फालूदा को देख ले, मार्केट में रेट चल रहा है 170 से 180 रुपए, हमारे यहाँ 130 रुपए का। कितने बजे ये आप खोल लेते हैं? सुबह मॉर्निंग में 11 बजे स्टार्ट हो जाता है, रात 3 बजे तक। पहले एक्सपीरियंस था? नहीं, जहाँ सबको एक्सपीरियंस था, इनका 30 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे पास है अपना पकवान, जहाँ साहब के पास अपना पकवान है 30 साल से, माशाल्लाह पूरी कराची में हमारा ओवरऑल खाना जाता है। आप किसी भी हाल में गायबाना के जाके मालूम कर ले तो वो हमारे इंशाल्लाह अच्छे लफ्जों में याद करते हैं। आपको हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से विश गुड लक कि आप जो भी फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं वो कामयाबी की तरफ जाए, जिस तरह के अभी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है। और जनाब यहाँ पे हमारे साथ एक फैमिली जो कि एंजॉय कर रही है, मुझे फालूदा नजर आ रहा है, चाट खत्म हो चुके हैं, इनसे पूछते हैं कैसा था फालूदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुबा। ओके, ये फालूदा आपका है या इनका है? ये फालूदा मेरा है। आती है यहाँ पे कब से आ रही है एजाज आइसक्रीम पे और एजाज चटखारा पे? यहाँ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा है, मैं जब भी खाना होता है यहीं पर आते हैं, फैमिली को लेके, बच्चों को लेके यहीं पर आते हैं। यही करीब में होते हैं जी? नहीं, हम दूर से आते हैं, यहाँ का बस है हम, लेकिन यहीं पर खाने आते हैं क्योंकि यहाँ का फ्लेवर हमें बहुत पसंद है, बच्चों को भी पसंद है हमारे यहाँ। सबसे क्या चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है यहाँ की? यहाँ का फालूदा भी अच्छा है, चाट भी अच्छी है, गोलगप्पे भी अच्छी है। तीनों मेन चीजें आपने बता दी, हम यहीं पर आके खाते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि कोई इसमें वो नहीं है शाम का वक्त हो, रात हो, दिन हो, ये वो चीजें होती हैं जो आप किसी वक्त भी खा लेते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा लियाकताबाद में तो मैंने सुना है बड़े मशहूर छोले चाट वाट मिलती हैं, वहाँ का फ्लेवर छोड़ के आप यहाँ क्या ऐसा आपको खास लगा कि आप यहाँ पे आके खा रही हैं फैमिली के साथ? यहाँ पर अच्छा है, इसका फ्लेवर अच्छा है, यहाँ का हर तरह के फ्लेवर मिल जाते हैं, बच्चों को पसंद है, मैंगो, बनाना, स्ट्रॉबेरी, बच्चे किसने खा लेते हैं आइसक्रीम। अब बैठने का भी एक प्रॉपर इंतजाम है? यस yes, हम गाड़ी में भी खा लेते हैं, बच्चों के साथ होते हैं तो, और हम अंदर भी खा लेते हैं, फैमिली रूम भी है। और कितने साल से आ रहे हैं, कितने अरसे से आ रहे हैं? हम काफी टाइम से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आपने आई थिंक चाट अपनी मुकम्मल कर ली है जी। कितनी मजे की थी? बहुत अच्छी थी। अच्छा मुझे बताएं क्या अच्छा लगा आपको इस चाट में? एक प्लेट इनकी थी, सर्विंग सही थी, क्वांटिटी सही थी, इनका जायका भी अच्छा है और हर चीज़ लेवल मिकदार में डालते हैं और सर्विस भी बहुत अच्छी है और सफाई सुथराई बहुत अच्छी है। आपको पता है ये तो अभी आपने आइसक्रीम और चटखारा में से मंगवाया, इनका एक अपकमिंग आ रहा है जिसका नाम है एजाज फास्ट फूड, वो भी 10 दिनों में ये ओपनिंग कर रहे हैं उसकी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कैसा होगा वो? जब ये नया खुला था हम जब भी आए थे तो बहुत अच्छा बेहतर है और उससे ज़्यादा ही बेहतर है जब पहले आए थे हम, तो अब जाहिर सी बात है नई ब्रांच खुलेगी और वो भी फिर बेहतर ही होगी। नहीं इसी जगह पे दे रहे हैं, ऊपर फैमिली रूम बना रहे हैं, पूरा बच्चों का, खवातीन के, जैसे सबके लिए पूरा फैमिली रूम बन रहा है और उसके साथ साथ ये ला रहे हैं एजाज फास्ट फूड, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अच्छा ही होगा, बेहतर होगा, जब खुलेगा तो हम ट्राई करेंगे आके। चले आपने आना है और जिस तरह आप ये मील और ये चीजें इंजॉय करते हैं, ये चाट हो गई, फालूदा हो गया इनके स्पेशल, इसी तरह आपने वो भी ट्राई करना है। थैंक यू। और ये है दुआ की सिस्टर, क्या नाम है दुआ की सिस्टर का? सबुहा। सबुहा, इसकी क्या मीनिंग है? खूबसूरत। ओ ये तो वाकई आप हैं बहुत प्यारी और खूबसूरत सी। अच्छा ये बताएं आइसक्रीम एंजॉय की? जी।
क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है फास्ट फूड में, आइसक्रीम में, सबसे ज्यादा क्या पसंद है? फूड में तो ब्रोस। और आपको पता है यहाँ पे ब्रोस भी आने वाला है, अब आप पापा को और मामा को ब्रोस के लिए लेकर आएंगी, आपको पता है सिंगर बर्गर और ब्रोस्ट आने वाले। अच्छा आइसक्रीम के बारे में बताओ, कैसी लगी आइसक्रीम? बहुत अच्छी है जी। वहाँ देख के कहो कि आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। और ये थी बहुत छोटी और प्यारी सी फैमिली हमारे साथ, जो कि एजाज आइसक्रीम एंड चटकारा एंड फास्ट फूड पे अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कर रही है, इनके फ्लेवर्स को एंजॉय कर रही है। और यहाँ पे हम चलते हैं मजीद लोगों से बात करने के लिए। और जी यहाँ पे सिटिंग एरिया में फैमिली जो है वो आइसक्रीम एंजॉय कर रही है एजाज आइसक्रीम पार्लर पे, तो हम पूछते हैं उनको कि आइसक्रीम कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत मजा आ रहा है। कौन सा फ्लेवर है ये जो आप एंजॉय कर रहे हैं? वनीला और पिस्ता। वनीला एंड पिस्ता, हमेशा यही खाते हैं या आज ही खा रहे हैं? टेस्ट चेंज करने, चेक करने के लिए आए। कैसा है? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आता रहता हूं जी। फैमिली के साथ आते हैं? फैमिली के साथ आते हैं। अच्छा यहाँ पे मतलब और कितनी आइसक्रीम्स आपने ट्राई की और सबसे बेस्ट आपको क्या चीज लगी, क्योंकि बाहर इनका चटकारा भी है? बिल्कुल नहीं खाए, इनके दही बड़े भी खाए, इनके गोलगप्पे भी खाए, आइसक्रीम का अपना मजा है, उसका अपना मजा है, अच्छा है, फ्लेवर भी अच्छा है और रेट मुनासिब है। प्राइस का ही मैं पूछने वाली थी कि प्राइस आपको इकोनॉमिकल लगे? बहुत मुनासिब है, बहुत मुनासिब, बहुत मुनासिब। अच्छा इनका अब आ रहा है कि एजाज फास्ट फूड के नाम से भी, तो अब ये फास्ट फूड भी ला रहे हैं, उसको भी आप ट्राई कीजिए। बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक। मैं जबरदस्त सी आइसक्रीम देख रही हूँ, और ये कौन सी आइसक्रीम है, ये कौन सा इनका फ्लेवर? ये इमरान का स्पेशल, स्पेशल। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये स्पेशलिटी आप हमेशा खाते हैं या आज ट्राई किया? नहीं, हमने सेकंड टाइम खाई जी। यहाँ पे इनके चटकारा काउंटर भी है जहाँ के, जहाँ पे दही बड़े गोलगप्पे, वो ट्राई किया आपने? अभी तक तो नहीं किया। नहीं अभी सेकंड टाइम आ रहे हैं आप लोग? जी आइसक्रीम। बच्चों को भी पसंद है? जी बहुत पसंद है। मुझे बताएं प्राइसेस कैसी है, टेस्ट कैसा है, प्राइस कैसी है? सही है, प्राइस तो बिल्कुल नॉर्मल है। आप सेटिस्फाई हैं जी? करीब से हैं आप लोग? जी करीब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब उनको आइसक्रीम खाने का मैं मौका दूं, कैसे आप? ठीक ठाक लग रहा है। ये मुझे बताएं कि ये किसकी फैमिली की पसंद की आइसक्रीम है जो इनकी स्पेशलिटी है या आपकी? बच्चों की पसंद है। बच्चे तो बेस्ट जज होते हैं किसी भी चीज को पसंद करने के लिए, तो आप सेटिस्फाई हैं? अच्छा टेस्ट है, बेहतरीन है बिल्कुल। एक तो घर से करीब है, और दूसरी बात है जायका बहुत बहुत जबरदस्त। आप क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों को जो चीज़ पसंद आ गई और जायके में भी अच्छी है, और जिस तरह की आपकी मिसेज ने बताया कि प्राइजेज इकोनॉमिकल है। अच्छा यहाँ मुझे बताइएगा कि हम और जगहों पे भी जाते हैं आइसक्रीम खाते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जहाँ बच्चे जहाँ से किए हम चले गए, क्या फर्क लग रहा है आपको वहाँ से और यहाँ से? अच्छा ये लगा मैं सबसे अच्छा, टेस्ट में भी और प्राइस में भी। दूसरा टेस्ट इनका ट्राई किए? अभी तो हम सेकेंड टाइम आए, बाकी मैंने दो टेस्ट ट्राई किए, एक चॉकलेट और एक ये वाला। ये ज्यादा अच्छा। बहुत शुक्रिया। अच्छा बहुत अच्छा है, माहौल भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये किस अच्छी बात है कि आपको एक तरीके से बैठने की जगह मिल जी मैडम, बहुत अच्छा साइड है मेरे को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और यहाँ पे मौजूद है फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सदब से शान। ओके बहुत मज़ेदार आइसक्रीम आपकी लग रही है, और मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन हमें और हमारे व्यूवर्स को जानना है कि आपको एजाज आइसक्रीम कैसी लगती है? मुझे बहुत यमी लगती है, मैं रेगुलर कस्टमर हूँ उनकी। अच्छा। जी हमेशा आती हैं, कब से आ रही हैं? मुझे महीनों होगा, बल्कि साल हो जाएगा आपको। जी ऐसी क्या बात है इनकी आइसक्रीम में और दूसरी आइसक्रीम? इनकी एक तो आइसक्रीम भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे सर्विस बहुत अच्छी है, और जो फ्लेवर सबसे बहुत अच्छे हैं। अच्छा आप हमेशा ये आई थिंक क्रंच और कुछ है ना, यही ट्राई करती हैं? डिफरेंट ट्राई करती रहती हूँ, ब्लूबेरी वगैरह, एप्पल, सब कुछ, स्ट्रॉबेरी, कोई भी ट्राई करती रहती हूँ मैं जब भी आती हूँ। मेरे ख्याल से आप इनके आखिरी टेस्ट पे पहुँचने वाली हैं जल्दी। सारे ऑलमोस्ट कर ली हैं, मैं बोल रही हूँ ना सारे ऑलमोस्ट कर ली हैं, बस ये क्या मेरे रिपीट होते रहते हैं। मैं ये स्ट्रॉबेरी के साथ क्रंच भी मैं वनीला कर लेती हूँ, ये करती हूँ। अच्छा फ्यूजन करती हैं, कॉम्बिनेशन कर लेती हैं वो आपको? मतलब आप इतना आते हो तो वीकली आते हो यहाँ पे? हाँ मैं हर सैटरडे को आती हूँ। यानी सैटरडे को अगर आपने आना हो थोड़ा सुकून लेने के लिए, थोड़ा टाइम अपने ऊपर देने के लिए, तो यहाँ आ जाए। आइसक्रीम पार्क जाती हूँ, पार्क से यहाँ आ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? इमरान।
आइसक्रीम खा रहे? यस। अच्छा कौन सा फ्लेवर है ये आइसक्रीम का? ये चोको फ्लेवर है, ये चॉकलेट है। आते रहते हैं आप लोग यहाँ? जी बिल्कुल आते रहते हैं। अच्छा कितने अरसे से आ रहे हैं? कौन सा फ्लेवर यहाँ सबसे ज्यादा अच्छा है? प्राइजेस के? प्राइजेस सही है, नॉर्मल लेवल से सब माशाल्लाह सब बेहतर है। ठीक है माशाल्लाह, वालेकुम सलाम, ऑल ही बेस्ट है, सारे बेस्ट है। अच्छा कौन आपका कौन सा पसंदीदा फ्लेवर है? क्रंची। आप चोको क्रंची खा रहे हैं? हाँ चोको क्रंची खा रहे। प्राइजेस कैसी है? प्राइजेस बेस्ट है, सही है, नॉर्मल है, इतनी नहीं है। यहीं करीब से आते हैं आप लोग? जी जी यहीं से आते हैं। और कहाँ कहाँ की आपने ट्राई किया और यहाँ की आपको बेस्ट लगी? यहीं आए हमने, कहा यहाँ से ट्राई करके देखते हैं। क्या फर्क लग रहा है आपको और जगहों के फ्लेवर में और यहाँ के फ्लेवर में? नहीं हर जगह का अलग अलग फ्लेवर है, लेकिन यहाँ का भी बेस्ट है, अच्छा है, यहाँ का भी। सेटिस्फाई आप? जी हाँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स अब अंदर चलते हैं, काफी सारी फैमिलीज हैं जो इंजॉय कर रही हैं आइसक्रीम और उनसे पूछते हैं आइसक्रीम कैसी है। वहाँ पे एक फैमिली है जो कि अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आइसक्रीम खा रही है, उनको हम पूछते हैं कैसी है आइसक्रीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर? मेरा नाम नुमान है। और आपका क्या नाम? सर मुझे बताएं कि क्या आपने ऑर्डर किया है और क्या एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ? चाट करा है और इन्होंने शेक करा है और ये आइसक्रीम खा रहे हैं। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप लोग या पहले आ चुके? नहीं मैं मतलब ले जाता था, मतलब आज पहली बार में बेगम और बच्चों को लेके आया हूँ, पार्सल ले जाता था लेकिन आज मैं ले गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आप? मदीहा नुमान। मदीहा, ओके मदीहा मुझे बताएं ये बड़ा क्रीमी क्रीमी सा शेक है आइसक्रीम है, क्या है ये? ये मैंगो है, इसके अंदर शायद इन्होंने आइसक्रीम डाली है और ऊपर क्रीम है और बहुत टेस्टी है। टेस्टी है। अच्छा खवातीन को बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ पसंद आती है, तो आपने फर्स्ट टाइम ये ऑर्डर किया या पहले भी ट्राई कर चुके? नहीं यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम आके खाया है, ये तो आते रहते हैं, मैं फर्स्ट टाइम आई थी। ये मुझे बताएं कि मैंगो सीजन में नहीं और बड़ी मुश्किलों से बहुत अच्छे फ्लेवर की मैंगो आइसक्रीम या मैंगो शेक्स मिलते हैं, तो आप सेटिस्फाई हैं ये जो अभी आप शेक ट्राई कर रही हैं इनका, ये अच्छा लगा? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। जी अब आपका क्या इरादा है नेक्स्ट टाइम आएंगी तो क्या ट्राई करेंगी आप? इनकी जो मेन्यू कार्ड में है इंशाल्लाह वो सब ट्राई करूँगी। जी नेक्स्ट वीक भी आप आ रही हैं क्योंकि ये तो आते रहते हैं? जी इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। बहुत शुक्रिया, आप एंजॉय करें अपनी आइसक्रीम। जी व्यूअर्स हम यहाँ पे थे एचास आइसक्रीम एंड चटखारा एंड फास्ट फूड पे, जो कि हमने फैमिली से बात की, फ्रेंड्स से अपने साथ लाए हुए और खूब सारे बच्चे और जिन्होंने आइसक्रीम जो इंजॉय कर रहे थे उनसे पूछा आइसक्रीम कैसी है और यकीनन सबको बहुत अच्छी लग रही थी, चटखारा इनका बहुत अच्छा है। और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो कि एजाज फास्ट फूड खुल रहा है, उसकी ओपनिंग है 4 मार्च को, जो 10% डिस्काउंट दे रहा है अपने कस्टमर्स को और K21 के स्ट्रीट टाइम के कस्टमर्स के लिए यह है, व्यूअर्स के लिए है कि वो आएँ एजाज फास्ट फूड को ट्राई करें और 10% डिस्काउंट अवेल करें। तो आपने आना है, ट्राई करना है और हमें बताना है, कॉल करनी है और कि आपको कैसा लगा फास्ट फूड भी इनका, आइसक्रीम तो आप पसंद कर ही रहे हैं, फास्ट फूड भी अब आपने ट्राई करना है। चटखारा इनका ज़बरदस्त है, फ्लेवर्स ऑसम है, आपने सुना होगा फैमिली से सबने देखा पसंद किया और अब बारी है इनके फास्ट फूड की। तो आपने आना है 4 मार्च को 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए एजाज आइसक्रीम चटखारा और फास्ट फूड पे। थैंक यू। जी व्यूवर्स ये मैं यहाँ पे ट्राई करने वाली हूँ इनका किट कैट शेक विद आइसक्रीम और ये इनका स्पेशल है और जिस तरह के लग रहा है कि बहुत खूबसूरत सा है, यकीनन फ्लेवर में भी बहुत प्यारा और मज़ेदार होगा और इसको ट्राई करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आपने यहाँ आना है तो ये ट्राई करना है। ओ यम, चॉकलेट आइसक्रीम और किट कैट, इसका बहुत प्यारा बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है और बहुत अच्छा इन्होंने इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है, बहुत मज़े का है, आपने ज़रूर ट्राई करना है और आई थिंक बहुत इकोनॉमिकल है, कोई इसकी इतनी हाई इन्होंने रेट नहीं रखे हुए, बहुत मज़ेदार है, क्वांटिटी बहुत अच्छी है और आपने ये ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा इनका स्पेशल किट कैट शेक। जो कि हमने फैमिली से बात की, फ्रेंड्स से अपने साथ लाए हुए और खूब सारे बच्चे और जिन्होंने आइसक्रीम जो इन्जॉय कर रहे थे
से पूछा आइसक्रीम कैसी है और यकीनन सबको बहुत अच्छी लग रही थी। चखारा इनका बहुत अच्छा है और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो कि एजाज फास्ट फूड खुल रहा है उसकी ओपनिंग है 4 मार्च को, जो 10% डिस्काउंट दे रहा है अपने कस्टमर्स को। और K21 के स्ट्रीट फैन के कस्टमर्स के लिए ये है, व्यूअर्स के लिए है कि वो आए एजाज फास्ट फूड को ट्राई करें और 10% डिस्काउंट अवेल करें। तो आपने आना है, ट्राई करना है और हमें बताना है, कॉल करनी है कि आपको कैसा लगा फास्ट फूड भी इनका। आइसक्रीम को आप पसंद कर ही रहे हैं, फास्ट फूड भी अब आपने ट्राई करना है। चखारा इनका ज़बरदस्त है, फ्लेवर्स ऑसम है, आपने सुना होगा फैमिली से सबने देखा पसंद किया और अब बारी है इनके फास्ट फूड की। तो आपने आना है 4 मार्च को 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए एजाज आइसक्रीम चखारा और फास्ट फूड।